Hey, hi, hello, what's up, everyone? It's me, Shailesh Patkar, and welcome back to my channel, FitBurnerEDU. Let's start this video. In this video, I am gonna explain you about how I repair my washing machine. So let's start. I already done that, and I just want to show you how I did that thing, so you can understand how you can solve the electrical problem on board ship, whether it is a washing machine or whether it is a generator, whatever may be the machineries. You should know how it works, and then you can rectify all the problems. So let's start. So this washing machine. This is the washing machine, and I open already cover. This is the limit switch for door. See this one. This one is the limit switch for door, and it gives alarm. E3 alarm. So actually what happened in crew laundry, there are two washing machines. One is working properly, but it cannot hold the water. It cannot hold the water. So that time I have checked and identified that the drain motor is not properly working. वो क्यों नहीं कर रहा था, इसके लिए मुझे बहुत सारी रिसर्च करने के बाद एक आंसर मिला, और उसमें बहुत ही यहाँ वहाँ से स्पेयर पार्ट्स उठा उठा के डालने के बाद मैंने उसको स्टार्ट कर दिया. लाइक ड्रेन मोटर होती है, उसके अंदर जो ड्रेन मोटर होती है वो क्या करती है, एक अंदर से जो आने वाला वाटर सप्लाई है उसको होल्ड करके रखती है, एंड जब आपका काम हो जाता है वॉशिंग का, उसके बाद रिंस वाले ऑपरेशन में वो वाटर को बाहर ड्रेन कर देती है. तो उसके टाइम पे वो एक्चुएटर के लाइक एक्चुएटर इट वर्क्स एंड इट ओपन्स दी दैट वॉल्व, सो वाटर कैन फ्लो आउटसाइड. वो हो गया, तो वो मोटर बाद में मुझे, मेरी तो ख़राब हो गई थी, तो मैंने दूसरी एक मेरी वॉशिंग मशीन थी ख़राब, उसमें से निकाल के उसमें डाल दी. सो नाउ दैट मशीन इज़ वर्किंग एंड सब अच्छे से हो गया. एंड नाउ ये मशीन में ये प्रॉब्लम थी कि E3 अलार्म बार बार आ रहा था स्पिन ऑपरेशन के टाइम पे. तो अभी E3 अलार्म क्यों आता है? E3 अलार्म तब आता है जब मोस्टली आपका डोर प्रॉपरली क्लोज ना हुआ हो. तो मैंने चेक किया तो पता चला कि डोर तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ओपन क्लोज करने का, नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है. तो यहाँ वहाँ से ढूंढ ढूंढ के एक प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन यहाँ पर मिल गया. ये है लिमिट स्विच एक्टिवेट नहीं हो रहा. ठीक है, अभी ये है जो डोर है, इसको मैं प्रॉपरली क्लोज कर रहा हूँ, फिर भी इट इज़ शोइंग E3. सो दैट्स व्हाई, सपोज अभी मैं इसको प्रेस करूँगा, सो इट्स गॉन. सी हाउ, बिकॉज द लिमिट स्विच मेक कॉन्टैक्ट एंड दैट लिमिट स्विच एक्टिंग वर्किंग, सो दिस अलार्म विल नॉट केयर. Now this alarm is again coming. So I need to manage that thing. Then that we suppose मेरा स्क्रीन ऑपरेशन होने के बाद वो एक्टिवेट हो जाए. वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो लॉकिंग है डोर वाली, वो प्रॉपरली उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे. तो मुझे यहाँ पर थोड़ा कुछ जुगाड़ चलाना पड़ेगा, और मैं चला लूँगा, और उसके बाद मैं इसको चालू कर लूँगा. सी दैट्स हाउ इट वर्क. थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, थोड़ा मैनुअल छोड़ने पड़ते हैं, फिर हो ही जाता है. सी थैंक्स टू दिस वॉशिंग मशीन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉशिंग मशीन वी कैन रिपेयर दिस टू वॉशिंग मशीन्स, एंड नाउ बोथ आर वर्किंग परफेक्टली एंड फाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. इट विल स्टार्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो वी आर डन विद द टुडेज वर्क, एंड वी हैव अनदर वर्क, सो वी विल गो एंड डू दैट वर्क. लाइक अल्टरनेटर मेंटेनेंस इज प्लान फॉर टुडेज. And I hope you will like this video. I finally tried to make this video because I solved the problem and I have little bit more time, so I can make this video, and hopefully you will support me for this thing. And please share, hit the like button and comment whatever you want, and I will try to make it. Thank you, love you all.